हेलो फ्रेंड्स, निटिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ये दो कलर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है। देखिए, आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हो, आप इसको दो कलर में भी बना सकते हो। ये चार रो का डिज़ाइन है और इसमें मैंने जोड़े से फंदे डाले हैं। आप भी इसमें जोड़े से फंदे डाल लेना और आपको जितने फंदे बढ़ाने हों, बॉर्डर बनाने के बाद आप पहले ही फंदे बढ़ा लेना। देखिए, ये मैंने इतना सैंपल बना के दिखाया है, बनने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया है। तो आप उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन को समझने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, मैंने इसको कैसे बनाया है। ये देखिए, इसमें मैंने 24 फंदे डाले हैं। थोड़ा सा मैंने ये बेस देने के लिए नीचे बॉर्डर बनाया है और दो सिलाई मैंने सीधी उतार ली है। सेकंड कलर मैंने इसमें लगा लिया है। तो देखिए, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं अपना, ये सीधी तरफ है, उल्टी साइड है, इसमें मैं सेकंड कलर लगाऊंगी। एक फंदा बनाया, देखिए दो बनाने के बाद मैं यहाँ से एक दो थर्ड वाले होल में मैं इसमें एक फंदा ड्रॉ करूँगी। ये देखिए, फिर मैं दो फंदे बनाऊंगी, एक फंदा फिर से मैं ड्रॉ करूँगी। थोड़ा सा इसको लूज रखना आप। देखिए, दो फंदे फिर मैंने बनाए, एक फंदा फिर से मैंने तीसरे वाले होल में डाल के यहाँ से हमने बना लेना। फिर हम दो बनाएंगे, फिर से एक फंदा ड्रॉ कर लेंगे। एक दो सीधे बनाएंगे, एक फंदा हम ड्रॉ कर लेंगे। दो बनाएंगे, एक फंदा हम ड्रॉ कर लेंगे। एक दो, तीसरे होल में डाल के फंदा हम फिर से देखिए ड्रॉ कर लेंगे। एक दो, फिर से इसमें डाल के फंदा और बना लेंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। ये देखिए, दो बनाए, एक हमने ड्रॉ किया, एक दो बनाए और ये हमने एक ड्रॉ किया। स्टार्टिंग में हमने दो बनाए थे, तो एंड में भी हम अपने ये दो सीधे बना देंगे। तो देखिए, डिजाइन की हमारी ये फर्स्ट रो ये कंप्लीट हो गई। देखिए, सेकंड रो रॉन्ग साइड। अब क्या करेंगे, पहला फंदा हम उतार देंगे स्टिच, दूसरे फंदे को हम बनाएंगे। ये जो हमारा ड्रॉ किया हुआ फंदा है, इसको हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। दो बनाए, एक हमने स्लिप कर लिया, दो बनाए, एक हमने स्लिप कर लिया। जो हमने दो सीधे बनाए थे रॉन्ग साइड में, हमने वो उल्टे बनाने हैं। जो फंदा हमने ड्रॉ किया था, उसको हमने ऐसे ही स्लिप कर लेना है, ऐसे ही। ये
दो बनाए, एक हमने स्लिप कर लिया। एक स्लिप कर लिया, दो बनाए, एक स्लिप कर लिया। एंड के भी हमने दो बना लेने हैं। ये देखिए डिजाइन की सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए हमारा डिजाइन दिखने लग गया। अब डिजाइन की थर्ड रो राइट साइड, अब देखिए ध्यान से हमें क्या करना है, ये फंदा एच स्टिच है, इसको हम उतार देंगे और ये एक ये ड्रॉ किया हुआ एक इससे पहले वाला, इसको हम दो का एक कर देंगे और इस धागे को हम यहाँ से उठा के इसके अंदर निडल डाल के इस पीछे वाले को इसके साथ है ऐसे सीधा बना देंगे। देखिए ध्यान से, फिर से हमने दो का एक करना है और इस वाले को इसके अंदर से निकाल के ऐसे बना देना है, दो का एक किया, इसको यहां से उठाया, पीछे वाले फंदे को साथ में लिया और ऐसे दो का एक बना दिया। ये पूरी रो हमने ऐसे ही कंप्लीट करते हुए जाना है। ये उठाया, पीछे वाले को लिया और इसमें से एक हमने ये बना दिया। ये देखिए इसको हमने इसमें से लिया और इसको इसके साथ से इसके साथ हमने इसको ऐसे बना दिया। फिर से हमने एक ड्रॉ किया हुआ फंदा लिया और एक बनाया हुआ इसके इसके साथ ही ऐसे कर दिया। ये देखिए ऐसे ही हमने ये पूरी रो को बना के कंप्लीट करना है। ये देखिए फिर से दो का एक किया, इसको उठाया और इसका हमने दो का एक कर दिया। लास्ट वाले को भी हमने ऐसे ही बना देना है। ये एज इट इज है, इसको हम बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा डिजाइन दिखने लग गया। अब फोर्थ रो डिजाइन की लास्ट रो है, इसको हमें क्या करना है, ये एज इट इज है और इनको हम सारे फंदे बुन लेंगे उल्टे उल्टे। अब की बार हमने कोई फंदा स्लिप नहीं करना है, ये पूरी रो हमने ऐसे ही उल्टी उल्टी बना के इसको कंप्लीट करना है। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी हमने इसमें एक ही कलर यूज किया है, अब यहां से हम अपना सेकंड कलर अब अपना हम यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिए,
एक बार मैं आपको ये उतार के दिखाती हूँ। ये हमने बनाया, पहली बार हमने दो फंदे बनाए थे तब हमने ड्रॉ किया था, इस बार हमने तीन फंदे बनाने हैं और तब अगला कलर हम यूज करेंगे, फिर हमारे दो फंदे बनेंगे। तो तीन बनाने के बाद ये जो बीच में है, अब यहाँ से फंदा हमने डाल के ड्रॉ करना है। सेम वही पैटर्न जो हमने पहले किया था, यहाँ से उठाएंगे हम, फिर हम दो बनाएंगे, एक फंदा हम यहाँ से, ये देखिए बीच में से हम ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम दो बनाएंगे और एक फंदा हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। वही सेम पैटर्न है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, ऐसे ही हमने इसको रिपीट करते जाना है। दो बनाएंगे और एक हम ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है फ्रेंड्स, आप एक बार इसको ट्राई जरूर करना, ये बनाने में बहुत ही इजी है। थर्ड वाले में से हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। दो बनाएंगे, एक हम ड्रॉ करेंगे, दो बनाएंगे, एक हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये हमारी रो कंप्लीट होने वाली है। स्टार्टिंग के तीन फंदे हमने बनाए थे, एंड के भी हमारे पास तीन फंदे बच गए। ये देखिए सेकंड कलर हमने यूज कर लिया है। अब देखिए ये उल्टी रो हमने दो बनाने हैं, जो हमने सीधे बनाए थे उनको हमने बनाना है, और जो फंदा हमने ड्रॉ किया था उसको हमने ऐसे ही स्लिप कर लेना है। देखिए दो बनाने हैं और एक हमने ये स्लिप करना है। मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी राइट साइड से हमें कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए राइट साइड से हमें क्या करना है। पहला फंदा स्टिच है, इसको उतार लेंगे, सेकंड वाला हम बना लेंगे, और ये जो इसके साथ वाला है इसको हम वही पैटर्न जैसे हमने पहले किया था इसको हम उतार देंगे, और ये वाला जो हमारा इसको हम उठाएंगे, और एक ये हम पीछे से लेंगे सीधे वाला, और इनका हम दो का एक ऐसे कर देंगे। फिर हम ये ड्रॉ किया हुआ फंदा और एक बनाया हुआ इसको लेंगे, यहाँ से उठाएंगे और पीछे वाले फंदे को साथ में लेके और हम इसको बना देंगे। ये देखिए फिर से इसको रिपीट करेंगे, दो का एक किया, उठाया और इसको हमने ऐसे बना दिया। ये दो कलर में तो बहुत ही प्यारा लगता है और मल्टी कलर में तो और भी अच्छा लगता है। आप अपनी चॉइस से किसी भी कलर में आप इसको डाल सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन का आप ध्यान रखिएगा ताकि हमारा डिजाइन अच्छे से खिल के आए। ये देखिए दो का एक किया, इसको हमने लिया और इसको इसके साथ बना दिया। ये पूरी रो हमने ऐसे ही बना के
कंप्लीट करनी है। एक पीछे से लिया और इसका दो का एक कर दिया। देखिए ये लास्ट कप हमारा बच गया। ये देखिए इसको भी हम ऐसे ही बना देंगे। एंड के जो हमने स्टार्टिंग के दो बनाए थे, एंड के भी हम दो बना लेंगे। ये देखिए अब डिजाइन की फोर्थ रो, आठ रो मैंने आपको कंप्लीट करके दिखा दी हैं, चार एक कलर की और चार एक कलर की, ये लास्ट की है। के बाद मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी इस डिजाइन की लुक कैसी आई है। इसको हम उल्टा उल्टा बना के, जैसे फंदे हमारे दिखाई दे रहे हैं, हम उनको ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के इसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। और देखिए नेक्स्ट रो में हमने क्या करना है, ये वाला हमने कलर यूज करना है। और अब हमने पहली बार हमने तीन बनाए थे, अब हमने ये दो फंदे बना के और यहाँ से हमने अपना फंदा ड्रॉ करना है, फिर दो बनाने हैं, फिर यहाँ से हमने अपना फंदा यहाँ से ऐसे बीच बीच में से ड्रॉ करना है, तो हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। ये आपको दिखाने के लिए मैंने नीचे बॉर्डर बनाया था, आप बॉर्डर कोई भी डिजाइन में बना सकते हो। और ऊपर फिर डिजाइन बनने के बाद इस तरह से इसकी लुक आएगी। इसको मैंने दो कलर में बनाया है, आप अपनी चॉइस से इसको कितने भी इसमें आप कलर डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको मेरा डिजाइन कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।